हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए आप लोग। तो मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी GA GS की मेंटोर हूँ। अभी जो क्लास होने वाली है वो स्टैटिक GK MCQ होगा, रैपिड फायर। अन अकेडमी पे मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है GA/GS बाय वर्षा सिंह। तो इस चैनल से आप सारे बच्चे जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट, PDF एंड नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब भी आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अभी बहुत सारे बैचेस लॉन्च हुए हैं 27 अक्टूबर को, यानी कि आज से ही। तो आप सारे बच्चे जल्द से जल्द प्लस को इनरोल कर लीजिए ताकि आप भी इस सारे बैचेस को देख सकें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त 12 या 24 महीने का ही प्लान लें और कोड वर्षा यूज़ करें, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे तो 7800 का कोर्स आपको 7020 का पड़ेगा, 6500 का कोर्स आपको 5850 का पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन एक या दो साल का ही ले, क्योंकि एक और दो साल का जो प्लान है वो आपको सस्ता भी पड़ता है और आपको तैयारी करने में इतना ही वक्त लग भी जाता है, ठीक है। तो आज का डाउट बाय अनअकैडमी, ये तो आप लोगों ने फीचर देखा ही है अनअकैडमी के ऐप पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं डाउट एंड सॉल्यूशन में जा करके, आपको उसका बाद में सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा रेज हैंड फीचर आया है सभी प्लस सब्सक्रिप्शन बच्चों के लिए। आपको अगर लाइव क्लास में कुछ भी डाउट होता है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, इस पर आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक GK GS का MCQ शुरू करते हैं। ये SSC और रेलवे एग्जाम को कवर करेगा। पहला क्वेश्चन है, द कोल डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोल डैम किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सारे स्टूडेंट एक बार इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी। हेलो एवरीवन, सभी जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन कि कोल डैम कहाँ पे है, तो सभी का आंसर ए आ रहा है और सभी का आंसर गलत है। जो आपका कोल डैम है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर के ऊपर। कौन से रिवर पे बना हुआ है ये? सतलुज रिवर पे बना हुआ है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है कोल डैम। कभी कभी नाम जो सुनने में लगता है वो धोखा भी दे देता है, तो यहाँ पे आप लोगों को धोखा ही मिला इस नाम से। तो ये सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से डैम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं? पोंग डैम, चमेरा, पंडो, महाराणा प्रताप सागर, ये सारे डैम भी आपके कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश। किस रिवर पे? सतलुज रिवर पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग इज इन विच कंट्री। पेट्रोलियम निर्यात संगठन का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन ए UK में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो सभी का आंसर बी और डी। तो बी तो पता नहीं किस हिसाब से, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं किस हिसाब से दे रहे हैं मालूम नहीं। करेक्ट आंसर इज डी, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसको फाउंड किया गया था सितंबर 1960 में, ठीक है। कहाँ पे? बगदाद में। बगदाद में इसको फाउंड किया गया था सितंबर 1960 में। और अभी जो इसके हेड है वो कौन है? मोहम्मद बारकिंदो अभी इसके हेड है। और इसके अलावा आप लोगों को मालूम ही होगा कि ओपेक में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 13 मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है। 13 मेंबर कंट्रीज़ है ओपेक के अंदर, जिसको कि 13 देशों का क्या कहा जाता है? कार्टेल। इनको क्या कहा जाता है? 13 देशों का कार्टेल। तो ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी MP या ऑप्शन डी गुजरात। कैपिटल ऑफ इराक, तो बांधवगढ़, सभी का आंसर MP।
तो इसमें गलत की गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। एमपी इज द करेक्ट आंसर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ही ऐसा नेशनल पार्क था जहाँ पे सबसे पहले हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट की गई। ठीक है, पहला नेशनल पार्क जहाँ पे हॉट एयर बलून सफारी स्टार्ट की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और जो भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आप लोगों को मालूम ही है, जिसमें से कुछ नाम कान्हा, पेच, पन्ना, माधव, संजय, ये सारे के सारे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वर्ल्ड डायबिटीज डे इज हेल्ड एनुअली ऑन, विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को, या ऑप्शन डी 16 दिसंबर को। नमस्ते अभिनव। आज तनु, एक्चुअली क्या है, आज वेडनेसडे था तो आज स्पेशल क्लास का फेस्ट होने वाला था जो कि लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हुआ, इसलिए मैंने वेडनेसडे को क्लास नहीं लगाई थी। मुझे लगा कि फेस्ट होगा, नहीं हुआ तो इसलिए क्लास हो नहीं पाएगी आज वो वाली, क्योंकि मैंने इसको शेड्यूल ही नहीं किया था फेस्ट के चक्कर में। तो सभी का आंसर सी है एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 14 नवंबर को आपका वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आने ही वाला है और हम लोग तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस हमारे यहाँ और बांग्लादेश में इसको विजोई दिवस कहते हैं। ठीक है, इसी दिन 1971 में आपके इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। 12 अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और 5 सितंबर को हमारे यहाँ टीचर्स डे, और वैसे इंटरनेशनल टीचर्स डे जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5th अक्टूबर, जब भी कभी गलती से 5th अक्टूबर आ जाता है तो 80% से 90% बच्चे बोलते हैं मैम आप गलत बता रहे हो, 5 अक्टूबर नहीं 5 सितंबर होगा। तो 5 सितंबर अपने यहाँ मनाया जाता है, वैसे पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 5th, द तुलिहाल एयरपोर्ट इज बेस्ड इन विच स्टेट? तुलिहाल हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी अरुणाचल। और सभी बच्चे एक बार ही जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो त्रिपुरा, तुलिहल त्रिपुरा में पहुंच चुका है। तो जिसने भी त्रिपुरा में पहुंचाया है वो लोग खुद मणिपुर पहले पहुंचो। तुलिहल एयरपोर्ट आपका मणिपुर में है, इसको क्या कहा जाता है? इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5th आंसर इज बी मणिपुर। मणिपुर के अभी गवर्नर कौन है जल्दी से कमेंट करके बताओ, मणिपुर गवर्नर। द फोक डांस फुगड़ी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? लोक नृत्य फुगड़ी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सभी का आंसर गोवा। मणिपुर का मैंने पूछा है, गंगा प्रसाद ड्रीमर मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 6th आंसर इज, जो आपने गंगा प्रसाद लिखा है सोच समझ के लिखो, गंगा प्रसाद होगा या कुछ और होगा। तो फुगड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोवा का है। जो फुगड़ी डांस फॉर्म है ये गोवा और कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र में भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों ही जगह परफॉर्म किया जाता है। किस अवसर पर? गणेश चतुर्थी। ठीक है, सीधा सीधा समझो कि कौन कौन रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में। इसके अलावा गोवा की और कौन कौन से फोक डांस है? एक तो आपने देखा होगा शिगमो, ढालो, देखनी एंड दस अवतार। ये सारे भी कहाँ के हैं? गोवा के ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6th आंसर इज सी। तो जिसने एले गणेशन बोला है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, एले गणेशन है मणिपुर के। ठीक है, नजमा हफ्तुल्ला हट चुकी है नासिम।
क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? नुगु वन्यजीवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7, तो उत्पल आयुष का 7th का बी। अनिरुद्ध यादव आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में है, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका के कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम बताइए। कर्नाटका के कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम बताओ जल्दी। बनरघट्टा, काली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? कर्नाटका में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज ए बांदीपुर, बिल्कुल सही जवाब। बांदीपुर भी आपका कर्नाटका में ही है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 10 सितंबर या ऑप्शन डी 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 8, तो बी और डी दोनों ही बोल रहे हो, तो जिसने डी बोला है तो डी वाले 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 सितंबर को सुसाइड प्रिवेंशन डे, इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे का मनाया जाता है आपके 10 सितंबर को। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपका 15 जुलाई, और जो अकेला बच्चा वो है 21 मार्च, और 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए कि वर्ल्ड स्पैरो डे, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अमान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अमान किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी हाइती, ऑप्शन सी ग्रीस या ऑप्शन डी ईरान। तो सभी का जवाब 20 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। किसी ने 22 और 23 भी बोला है। तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन की राजधानी है अमान, हाइती की क्या है? पोर्ट एयू प्रिंस, ग्रीस एथेंस, और ईरान की क्या है? तेहरान, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में एक हेडक्वार्टर पूछा जाता है, UNWRA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एनर्जी फॉर एजेंसी फॉर पैलेस्तीन रिफ्यूजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी आपका जॉर्डन में है, इसको याद रखना। एक ही हेडक्वार्टर आपको जॉर्डन से याद रखना होता है, यूनाइटेड नेशन वर्क एंड रिलीफ एजेंसी फॉर पेलिस्तीन रिफ्यूजी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? जॉर्डन में ही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रणोय कुमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? प्रणोय कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, तो ए के आशीष का आंसर है क्रिकेटर, रमेश का शूटिंग, बैडमिंटन शूटिंग। तो शूटिंग वाले को अपने आप को शूट करना चाहिए, करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। तो प्रणोय कुमार केरला के रहने वाले हैं और एक बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और कुछ स्मार्ट पीपल जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है वो बी और डी दोनों ही जवाब दे रहे हैं। 11th, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी बिहार। सत्रिया डांस फॉर्म कहाँ का है? तो सभी का आंसर यहाँ पे आसाम है, और पार्थ का आंसर है बिहार। तो बिहार से तुमको आसाम आना पड़ेगा पार्थ, आंसर इज आसाम। आसाम का है सत्रिया डांस फॉर्म। इसके अलावा भोरतल,
आपका बागुरुम्बा, बागुरुम्बा, झूमर एंड बीहू, ये सारे डांस भी कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? आपके आसाम में, ठीक है। तो ये पांच डांस फॉर्म आसाम से याद रखना, यही पांच पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज बी, आसाम। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर या ऑप्शन डी उज्जैन। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे है ये उज्जैन? मध्य प्रदेश में है। इंदौर ये किस नदी के किनारे बसा है, कोई जवाब दो दो पहले। भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। और जो आपका ग्वालियर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल। बिना गूगल किए जल्दी से कोई बताओ कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हाँ महाकाल, उज्जैन। इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिना गूगल किए ईमानदारी से बता सकते हो तो बताओ। तो संजय अहिरवार, सागर वर्मा, बस संजय एंड सागर को पता है। और उमेश को पता है, ठीक है। तो आपका जो इंदौर है वो आपके, इसको खान ऐसे भी लिख देते हैं और खान ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो खान नदी के किनारे बसा हुआ है आपका इंदौर। वो है तो नदी, लेकिन वो एक तरीके से वो आपका सीवेज टाइप बन गई है, मतलब उसे गंदा पानी है बहुत ही ज़्यादा। तो ए आपका इंदौर खान रिवर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13, द पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीवी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्रा, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी केरला। तो सभी का आंसर यहाँ पे केरला, केरला, केरला। तो आपका पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। केरला में और कौन कौन से हैं? पंपादम शोला, पंपादम, साइलेंट वैली, ठीक है, परम्बिकुलम, मतिकेटन, अनामुदी, वायानाड, ये सारे के सारे कहाँ पे आपके? कुमाराकोरम, कुमाराकोरम भी। तो ये सारे के सारे कहाँ पे आपके? केरला में है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा, पंपादम, साइलेंट वैली, परम्बिकुलम, मतिकेटन, अनामुडी, वायानाड, ठीक है, ये सारे के सारे आपके केरला में है। कुमाराकोरम भी आपका केरला में ही है, ठीक है। हाँ एरेविकुलम बिल्कुल सही जवाब है, साइलेंट वैली तो लिख दिया है, एरेविकुलम ये भी आपका केरला में। तो क्वेश्चन नंबर 13 द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज लोकेटेड एट? भारतीय जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गधा वैसे नहीं होगा, वो जैसे इंग्लिश में लिखा है वैसे ही हिंदी में लिखेंगे। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी कर्नाटका। बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, गुजरात। तो पूर्णा, बारदा, वंसदा, गीर, मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ, ये सारे के सारे कहाँ पे? आपके गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, धनवंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए जर्नलिज्म, ऑप्शन बी सिविलियन, ऑप्शन सी लिटरेचर या ऑप्शन डी मेडिकल साइंस। बताइए धनवंतरी अवार्ड। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने बोला है सी और कुछ बच्चों ने बोला है डी और अजय कुमार ने बोला है जर्नलिज्म। तो धनवंतरी अवार्ड जो है, धनवंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन साइंस, ठीक है, गॉड ऑफ मेडिसिन थे, ठीक है। आपने धन्वंतरी अगर
कुछ आपको पता है अपना वो भगवान भगवान से रिलेटेड बातें, समुद्र मंथन से रिलेटेड बातें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि धन्वंतरी आपके भगवान थे, किसके, दवाइयों के, मेडिसिन के, ठीक है। इसके अलावा ये भगवान विष्णु का अवतार थे और ये वाराणसी के किंग भी थे। तो इन्होंने जो जितने भी आपके पुराण हैं उसको क्या कहा था, गॉड ऑफ आयुर्वेदा। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारे पुराण आपके क्या है, गॉड ऑफ आयुर्वेदा है। तो इसीलिए ये धन्वंतरी अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाएगा, मेडिकल साइंस की फील्ड में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। उत्तराखंड का तेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी घग्गर। तो सभी का आंसर सी भागीरथी, एंड भागीरथी इज द करेक्ट आंसर। तेहरी डैम हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है तेहरी डैम। इसके अलावा आपको उत्तराखंड के दो और डैम याद रखने हैं, कोटेश्वर, कोटेश्वर जो कि भागीरथी पे ही है, ठीक है, और आपका लखवर डैम, लखवर डैम जो कि आपके यमुना पे है, ठीक है। ये दोनों डैम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोटेश्वर एंड लखवर डैम। तो कोटेश्वर आपका भागीरथी पे है एंड लखवर डैम आपकी यमुना नदी पे है, और तेहरी भी आपका भागीरथी पे है। डैम तो बहुत सारे हैं, जो मेन मेन है वो बताएं, और तेहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन सिंह, या ऑप्शन डी गुरु हरई। क्वेश्चन नंबर 17। और सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे ए एंड बी आ रहा है सभी बच्चों का। तो जिसका भी आंसर बी आ रहा है, बी बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको राइट करके क्रॉस कर देती हूँ। गुरु अंगद इज़ द करेक्ट आंसर। गुरु अंगद सेकेंड सिख गुरु थे, ठीक है, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने सेकेंड सिख गुरु बनाया था। अपने बेटे को ना बना करके गुरु अंगद को बनाया था। तो इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट, पंजाबी स्क्रिप्ट क्या की थी, इंट्रोड्यूस किया था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सिटी इज़ द दरगाह शरीफ द टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि दरगाह शरीफ किस शहर में है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी अजमेर, या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो सभी का आंसर सी। और आदित्य तिवारी आपका आंसर है डी, तो डी नहीं होगा आदित्य। करेक्ट आंसर इज अजमेर, राजस्थान में है आपका दरगाह शरीफ, ठीक है। और ये किसकी समाधि है, मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि एक सूफी सेंत थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बालफाक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बालफाक्रम, तो सभी का आंसर मेघालय। श्योर मेघालय ही होगा। अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी है ये पूछ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज बी, ठीक है। तो मेघालय में है आपका बालफाक्रम। इसके अलावा मेघालय में नोकरेक, ठीक है, और बाघमारा, ये भी कहाँ पे है, मेघालय में है। एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है मेघालय में, जिसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जिसका नाम एन से स्टार्ट होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा है वाटरफॉल जिसका एन से नाम स्टार्ट होता है। मैंने हिंट भी दे दिया, एन से उसका नाम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी अरुणाचल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उड़ीसा। हाँ लियो, बहुत अच्छा तरीका है ये, जब आंसर ना पता हो तो ये सीधा बोल दो कि स्पेलिंग डिफिकल्ट है। स्पेलिंग वैसे भी मैटर नहीं करती अपने एसएससी एग्जाम में, ऑप्शन आते हैं। तो सभी का आंसर यूपी, एंड यूपी इज द करेक्ट आंसर। सी किसने बोला है? चंदन कुमार। चंदन कुमार, कथक जो है वो नॉर्थ इंडियन डांस है जिसका ओरिजिनेशन आपके यूपी में हुआ था, तो यूपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड? इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए आसाम, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश या कर्नाटका। इंदिरा सागर डैम, देखो जो शाकाहारी लोग, अब इसको मुद्दा मत बना देना, लेकिन जो शाकाहारी लोग अंडा खा लेते हैं वो अंडे को शाकाहारी बोल देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अंडा मांसाहारी है। तो इंदिरा सागर डैम किस राज्य में है आपसे ये पूछा गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आंसर इज सी, मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे है, ठीक है, नर्मदा रिवर पे है। इसके अलावा बाण सागर डैम है आपके मध्य प्रदेश में जो कि सोन रिवर पे है। गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम जो कि आपके चंबल रिवर पे है। अब इसमें सबका अपना अपना ओपिनियन है कि वो अंडा को मांसाहारी समझते हैं या शाकाहारी समझते हैं, ठीक है। तो और आपका ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम ये भी किस पे है आपका? नर्मदा रिवर पे। तो ये सारे डैम भी आप लोग याद रखिएगा, ओमकारेश्वर नर्मदा, गांधी सागर डैम चंबल, बाण सागर डैम सोन, और आपका इंदिरा सागर डैम नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 22। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिडो? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी लंदन। क्वेश्चन नंबर 22। तो आलू सर को छोड़ के सभी का आंसर ठीक है, वियना में है, ठीक है। नवंबर 1966, डेट एक बार ही चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 12 नवंबर ही है। तो 12 नवंबर 1966 में फाउंड हुआ था आपका यूनिडो, और इसके अभी हेड कौन है? ली योंग, ठीक है। ली योंग हेड है किसके? यूनिडो को, यूनिडो के। और 12 नवंबर 1966 में इसको फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। किशोर कुमार सम्मान इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय विच स्टेट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सिनेमा? किशोर कुमार सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो सभी का सी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है, किशोर कुमार सम्मान ये आपके मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जो 2020 में दिया गया है वो किसको दिया गया है लास्ट अवार्ड? वाहिदा रहमान को, ठीक है, वाहिदा रहमान को ये आखिरी अवार्ड दिया गया है अभी 2020 में, किशोर कुमार सम्मान। क्वेश्चन नंबर 24। कलिंगा प्राइज इज रिलेटेड टू विच फील्ड? कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी सिनेमा या ऑप्शन डी जर्नलिज्म। तो कमेश का आंसर सबसे पहले आया है बी, विज्ञान, और विज्ञान इज द करेक्ट आंसर। जो कलिंगा पुरस्कार है, ठीक है, तो जो आपके साइंस में एक एक्सेप्शनल एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको दिया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कलिंगा पुरस्कार कौन देती है? यूनेस्को देती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25th, कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कायगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी बिहार। और अभी जो टोटल आपके ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके भी आप नाम लिखिए जल्दी से, और कितने हैं ये भी बताइए। तो उमेश, इंदौर किस राज्य में है बताओ? कितने अभी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में जल्दी से बताइए। तो सभी का जवाब यहाँ पे जहाँ पे सारे ऑप्शन डिस्कस करने वाले होते हैं वहाँ पे सारे करती हूँ मैं। आंसर इज सी, कर्नाटका से है। तो सभी का आंसर 7 आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं वो 7 कौन कौन से है। पहला आपका हो गया कर्नाटका कायगा, ठीक है, उसके बाद काकड़ापड़, ये कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद आपका नरोड़ा, ये कहाँ पे है? आपका यूपी में। उसके बाद आपका राजस्थान, राजस्थान में। कुदनकुलम एंड कल्पाकम, ये दोनों आपके कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। एक कौन सा रह गया? एक कौन सा रह गया? हाँ बिल्कुल सही जवाब, तारापुर। तो महाराष्ट्र में कौन सा है आपका? तारापुर। तो ये 7 क्या है आपके ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भारत में? कायगा, काकड़ापड़, नरोरा, राजस्थान, कुदनकुलम, कल्पाकम एंड तारापुर। और सबसे पुराना जो है वो कौन सा है आपका? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 26, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 26, अरे किस विकास में भड़क रहे हो? तो सभी का आंसर है ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया इज द करेक्ट आंसर। तो IAEA 29 जुलाई 1957 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। और जिस भी विकास से भड़क रहे हो, मुझे नहीं मालूम है, मुझे विकास के मैसेज नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ब्लॉक कर दो, आपको भी नहीं दिखेंगे। तो 29 जुलाई 1957 को आपका क्या हुआ था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को खोजा गया था। और ये जो है आपका IAEA, इसका मेन काम क्या है कि आप कैसे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं सही ढंग से, वो चीज़ देखना, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन लोकेटेड? केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी कोचीन में। 27th, तो सुपर किंग का आंसर है कोचीन, अनिरुद्ध का गोवा, उदय का गोवा और रचित कुमार का मुंबई। तो रचित आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन है इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई अंधेरी वेस्ट में है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, अंधेरी वेस्ट, तो महाराष्ट्र में है यानी कि। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के चांसलर कौन होते हैं? जो आपके प्रेसिडेंट रहेंगे वही आपके इसके चांसलर रहेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ही चांसलर होगा किसका? CIFE का। क्वेश्चन नंबर 28, जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी रेसलिंग, ऑप्शन सी स्विमिंग या ऑप्शन डी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 28, 28 तो सभी का आंसर है कुश्ती, तो कुश्ती नहीं होगा, शूटिंग से इनका संबंध है, ठीक है। और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है, इसके अलावा इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है और इसको इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज आपका ए, ठीक है। तो जो भी आपका ये रेसलिंग बोल रहे हैं
और संगीता रेसलिंग बोल रही है, बी नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29th, पटराटो थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। पटराटो थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी गुजरात। अनंत ज्ञान मैं तुमको जवाब कैसे दूं? तुम्हारे पास अनंत ज्ञान है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है ना। और सारे बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मैंने तुम्हारा मैसेज देखा नहीं था अनंत ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है झारखंड, और सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। पटराटू थर्मल पावर प्लांट आपके झारखंड में है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 10 अप्रैल या ऑप्शन डी 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 30, नहीं संजय टोटल 70 क्वेश्चन है। हाँ मैं पीडीएफ दूंगी इसका, ठीक है। तो जिसने जिसने 10 अप्रैल बोला है, तो तेजस फाइटर तुमको अभी मुझे सोच के बताना है कि 10 अप्रैल को क्या आता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ये भी बताना है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। 30 जून को आपका नेशनल एस्ट्रॉइड डे और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज बी। गए ना तुम, पता चल गया ना। तो आपका 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। तो 30 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 31, पारुपल्ली कश्यप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पारुपल्ली कश्यप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी आर्चरी, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो सभी का आंसर यहाँ पे 31 का डी, बिल्कुल सही जवाब, बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर। पारुपल्ली कश्यप का संबंध बैडमिंटन से है, और साइना नेहवाल को तो आप जानते ही हैं जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनके हस्बैंड हैं पारुपल्ली कश्यप, ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 32, कुलामावु डैम इज बिल्ट अक्रॉस डैश रिवर। कुलामावु बांध डैश नदी पर बना है। ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी किली विली तोड़े, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 32, तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है कुंदन। मोहित यादव तुम्हारा आंसर सही था वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। तो 32 का सभी का बी, तो जिसका भी 32 का बी है एकदम गलत नहीं, एकदम सही जवाब है। किली विली तोड़े रिवर पे बना हुआ है आपका कुलामावु डैम। किली विली तोड़े रिवर जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? पेरियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और जब पेरियार आ ही गया तो आप समझ गए होंगे कि कुलामावु डैम किस राज्य में है। तो कुलामावु डैम आपके केरला में है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन डैश। विश्व व्यापार संगठन डैश में अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 94 या ऑप्शन डी 1995। हाँ ये क्लास डेली चलेगी आपकी, और सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दो। तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? मुझे लगता है सिंपल नहीं, तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे भरना पड़ता है, इसलिए लाइक नहीं करते हो। तो यहाँ पे 1994 दिनेश कुमार, 1 जनवरी आपका गलत जवाब है। डेट तो सही है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 1995 में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था। इससे पहले ये क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि गैट, जो कि 1948 में बना था। तो 1948 से लेकर के 1995 तक ये गैट था, इसको रिप्लेस कर दिया किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है। और इसकी अभी हेड कौन है? नागोजी ओखोन्जो
आई वे वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34th, एवरी ईयर मारिया रेसा को दिया गया है कुंदन। क्वेश्चन नंबर 34th, एवरी ईयर कालिदास सम्मान इज गिवन बाय विच इंडियन स्टेट। कालिदास सम्मान हर साल किस भारतीय राज्य द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी गुजरात। तो 34th का सभी बच्चों का आंसर गुजरात, एंड गुजरात इज द करेक्ट आंसर। तो कालिदास सम्मान आर्ट सम्मान है, आर्ट अवार्ड है, जो कि आपके किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। किसी को अगर डाउट है कि आर्ट अवार्ड क्या होता है तो पूछ लो, वरना आप लोगों को मालूम होगा कि आर्ट क्या होता है। डांस हो गया, ये जितने भी डांस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आर्ट में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 35, किसी को पूछना था तो पूछ सकता था, ठीक है। वैसे मैं बताना चाहती ही नहीं थी, आर्ट अवार्ड से समझ जाना चाहिए, कला कला वाला आर्ट। तो यहाँ पे DC एंड DC इज द करेक्ट आंसर। वॉशिंगटन DC में है आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। इसके अभी हेड कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस साल ही वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करना डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो अब से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को पब्लिश नहीं किया जाएगा, रिलीज़ नहीं किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग दीज इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इनमें से विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी नाइल, ऑप्शन सी कॉन्गो या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। तो 36 का ए, 4:55 पे होती है। तो सभी का जवाब अमेजोन। देखिए, एक होता है आपका लार्जेस्ट, एक होता है आपका लॉन्गेस्ट और एक आपका होता है डीपेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिवर जो है वो है आपकी अमेजोन रिवर। वॉल्यूम डिस्चार्ज को देखते हुए हम लार्जेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जो आपका लॉन्गेस्ट यानी कि लंबाई को देखते हैं इसमें, तो ये है आपका नाइल रिवर, और जो आपका डीपेस्ट है वो है आपका कॉन्गो रिवर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कॉन्गो रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल रिवर, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपका कौन सा? अमेजोन। और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है, जो कि चाइना में है, वो कौन सा रिवर है? चांग रिवर। और चांग रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। एशिया की सबसे, विश्व की सबसे लंबी नदी है नाइल, या जिसको आप नील भी कहते हैं। और जो आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है चांग, और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, ठीक है। तो डीपेस्ट आपका कॉन्गो, लॉन्गेस्ट आपका नील, और लार्जेस्ट आपका अमेजोन। हाँ स्वाति, कॉन्गो ही है। क्वेश्चन नंबर 37, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए UP, ऑप्शन बी MP, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी सिक्किम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो सभी का आंसर यूपी, एंड यूपी इज द करेक्ट आंसर। तो यूपी से आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखना होता है। इसके अलावा आपका दुधवा नेशनल पार्क और आपका नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज ए। 38th, विच अमंग दीज इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी पुर्तगाल या ऑप्शन डी वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ UP TX2 अवार्ड जो दिया गया था वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए, ठीक है, टाइम से पहले वो भी।
तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड में यहाँ पे वॉर छिड़ी हुई है। तो सभी का आंसर, ज्यादातर का ग्रीनलैंड है, एंड ग्रीनलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो ग्रीनलैंड का प्रोविंस है वो किस कंट्री के अंदर आता है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। इसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो उदय, क्रिस्टोफर एंड सागर वर्मा, आप तीनों का जवाब बिल्कुल ठीक है, डेनमार्क में आता है। ठीक है, डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 21 जून, या ऑप्शन डी 11 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 39, डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। तो सभी का आंसर 8 मार्च है। तो लूनी वाले, लूनी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज जो भारत की सबसे छोटी नदी है वो है अरावरी रिवर, जो कि 90 किलोमीटर जिसकी लेंथ है और जो कि आपके राजस्थान में है। ठीक है, तो आपका 11 सितंबर से बात करते हैं, तो 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे आपका कब मनाते हैं, 11 सितंबर। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये तीनों ही दिन हम कब मनाते हैं, 21 जून को। 8 मई को मनाते हैं क्या, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और जो आपका बच गया 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और जो इस बारी का थीम था वुमेन्स डे का, वो क्या था, चूज टू चैलेंज। ठीक है, ये इस बारी का थीम था। तो 39th आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका 8 मार्च, और थीम याद रखना चूज टू चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 40, बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी सतलुज। यहाँ पे ऑप्शन ही इतने ईजी है कि हर कोई बता सकता है। तो सभी का आंसर यहाँ पे अलकनंदा, और सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये तीनों रिवर तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ सकता आंसर में, तो अलकनंदा इज द करेक्ट आंसर। और बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, शिरुई लिली फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, शिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 41, तो सभी का आंसर यहाँ पे कामराज कुमार का आंसर है डी, और सुशांत यदुवंशी का आंसर है डी, और दोनों का ही आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज सी मणिपुर। शिरुई लिली जो है वो मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, शिरुई लिली मणिपुर का स्टेट फ्लावर है, और शिरुई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है आपके मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 41 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42, फिरोजपुर इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, फिरोजपुर किस नदी के किनारे है। ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 42, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ना लग रहा हो तो सभी बच्चे एक बारी सेशन को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, तो 42 सभी का आंसर ए है, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। तो फिरोजपुर जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया था शहर, जो कि आपके पंजाब में पड़ता है। और जब से आपका पार्टीशन हुआ है भारत और पाकिस्तान का,
तो दोनों शहर, दोनों कंट्री के बीच में आपका फिरोजपुर पड़ता है, मतलब बॉर्डर का काम करता है ये, ठीक है? तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन इज द नेशनल स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, या ऑप्शन डी 29 जून। तो सभी का आंसर डी है और आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है, किसके बर्थडे पे? पीसी महालानोबिस के बर्थडे पे, ठीक है? ये भारत के बहुत बड़े सांख्यिकी थे। और जो आपका सेकेंड फाइव ईयर प्लान था, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, वो किस मॉडल पे बेस्ड था? पीसी महालानोबिस मॉडल पे ही बेस्ड था, ठीक है? और 26 जुलाई को आपका कारगिल दिवस, कारगिल दिवस आपका 26 जुलाई। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 8 अक्टूबर को, जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो एग डे, ठीक है? 8 अक्टूबर। कुदम, जितनी बारी तुमने, देखो मुझे ये तो समझ में आ जाता है कि कौन से बच्चे सीरियसली पूछते हैं, कौन से बच्चे मेरा टेस्ट लेते हैं, तो मेरा टेस्ट मत लो, क्योंकि टेस्ट आगे तुम्हारा होगा। तो इसलिए अपने टेस्ट पे ध्यान दो, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो। और जितनी बारी तुमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है या टाइप किया है, उतनी देर में तुम गूगल से जवाब पूछ लेते। यहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन है केवल कमेंट सेक्शन को फिल करना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सुबनसिरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी ब्यास, या ऑप्शन डी गोला। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 का वेदांतों का आंसर सी है, दीपक का पोंग डैम सी है, तो सभी का आंसर सी है और सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी अभी मैंने आपको बताया ही था कि पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, चमेरा डैम, पंडो डैम, ये सारे के सारे डैम कहाँ पे है आपके? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर इज सी। 45, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी आपका ओटावा, या ऑप्शन डी पोलैंड। और सभी स्टूडेंट एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर देना आप लोग। तो यहाँ पे सभी का आंसर स्वीडन, 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 और सभी ने स्वीडन ही दिया है। यहाँ पे गलत आंसर की उम्मीद थी भी नहीं वैसे मुझे। तो पोलैंड की क्या है? वर्साओ। ओटावा कैपिटल है किसकी? कनाडा की। बाकी तीन आपकी कंट्री है, ओटावा आपकी कैपिटल है किसकी? कनाडा की। स्वीडन की स्टॉकहोम, और कंबोडिया की क्या है? नोमफे। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर इज डी, सॉरी आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज गोविंद सागर मैन मेड रिजर्वर सिचुएटेड? गोविंद सागर मानव निर्मित जलाशय कहाँ पे है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी, एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ई, जो कि आपका उत्तर प्रदेश है। अब मुझे आप आंसर दीजिएगा, गोविंद सागर मैन मेड रिजर्वर कहाँ पे है? आपका पाँचवा ऑप्शन यहाँ पे यूपी है। 46, तो स्वाति यादव का यूपी, क्रिस्टोफर का यूपी, सागर वर्मा का यूपी, संदीप का यूपी, शुभाशीष का भी यूपी, सारे बच्चे यूपी यूपी यूपी। देखो यहाँ पे लिखा है गोविंद सागर, ठीक है? तो जब गोविंद सागर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मैंने जानबूझ के यूपी दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है यूपी किसके लिए है। आपका रिहांद डैम, जिसको कि
गोविंद वल्लभ पंत सागर, वल्लभ पंत सागर कहा जाता है, ठीक है। तो गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या लिखा हुआ है वो मैटर करता है। तो गोविंद सागर लिखा हुआ है तब आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, और अगर आपका यूपी आता है ऑप्शन में तो वहाँ पे लिखा रहेगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये डिफरेंस है और सभी बच्चों ने गलत बोला, ठीक है। मैंने जानबूझ के दिया था यहाँ पे यूपी, एक तो आप लोग चीटर हो एक नंबर के कि मैंने यूपी दिया तो मैम ने यूपी इसलिए ऐड किया है क्योंकि यही आंसर होगा, तो ऐसा नहीं है। बस ये क्लियर करने के लिए यूपी को ऐड किया था कि जहाँ पे गोविंद सागर रहेगा वहाँ पे हिमाचल, जहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर रहेगा वहाँ पे यूपी, जो कि रिहांद डैम का दूसरा नाम है, ठीक है। हाँ, गलती से ही इधर उधर चले गए लेकिन भटक कुद तो गए ना। 47, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए श्वेता पांड्या, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी कल्पना चावला या ऑप्शन डी मारिया गिल। 47, तो सभी का आंसर सी कल्पना, और सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है, कल्पना चावला। आज आप लोगों का क्वेश्चन ये है जो आप मुझे आफ्टर क्लास कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कल्पना चावला की बुक का नाम क्या था, ठीक है। और ये कब गई थी पहली बार स्पेस में? नवंबर 17 नवंबर 1997 में, ठीक है। तो कल्पना चावला की किताब का नाम क्या था ये आप मुझे क्लास जब ख़त्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ये लाइव चैट है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि लाइव चैट कुछ और होता है, जो लाइव क्लास के दौरान चैट चल रही होती है उसको लाइव चैट कहा जाता है, और कमेंट जब आपकी क्लास ओवर हो जाती है उसको कहा जाता है। तो इसको, इस डिफरेंस को समझते हुए उसका आंसर देना। डैश इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, डैश फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन ए मैगिनॉट, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी 20th पैरेलल या ऑप्शन डी दुरंत लाइन। तो मैदुल इस्लाम का 20th पैरेलल, दीपक तुमको ये जरूर समझने की जरूरत है कि लाइव चैट और कमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सभी का यहाँ पे ए और सी आ रहा है, तो सी वाले बच्चों 20th पैरेलल लीबिया और सुडान के बीच में है, ठीक है। दुरंत लाइन आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मैगिनॉट लाइन। अनुराग तुम 10 मिनट से बोल रहे हो तुम जा रहे हो, लेकिन तुम अभी भी यही हो तो तुम 21 क्वेश्चन का और इंतजार करो, तब तक यही रुको। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी वडोदरा या ऑप्शन डी चेन्नई। तो बी और सी, तो बी में तो बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट आंसर है सी वडोदरा में है, गुजरात में। कहाँ पे वडोदरा में है? अलकापुरी में है आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्डा, ठीक है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, बोगीबिल ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, बोगीबिल पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी यमुना। तो सभी का आंसर 50 का बी। जल्दी से बताइए, बोगीबिल ब्रिज यमुना रिवर, कृष्णा का आंसर है यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, यमुना रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा और यमुना यहाँ पे दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन सही जवाब आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर होगा। ये आपका बोगीबिल ब्रिज किस राज्य में है? आसाम में है। ये कॉन्क्रीट ब्रिज है, ठीक है, जो 7 रिक्टर स्केल तक की वो अर्थक्वेक को झेल सकता है, ठीक है। और ये आपका जो बोगीबिल ब्रिज है, लार्जेस्ट
रेल कम रोड, रेल कम रोड मतलब रेलवे और रोड दोनों ही ब्रिज है ये, कहाँ पे? आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, असमारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? असमारा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए किरीबाती, ऑप्शन बी एरिट्रिया, ऑप्शन सी पलाऊ या ऑप्शन डी उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 51। तो एक बच्चे ने एकदम धड़ल्ले से बोला वो पलाऊ। तो तुमने अगर पलाऊ बोला ही है तो मैं तुम्हारा भ्रम दूर करती हूँ। पलाऊ की है नेग्रल मड, उरुग्वे की क्या है मोंटेवीडियो, किरीबाती की क्या है तरावा, और करेक्ट आंसर जो है वो है आपका एरिट्रिया। बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्टी टू, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज बेस्ड इन विच स्टेट? खजुराहो स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। तुम लोगों ने इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ ली है ना कि सच में तुम लोग लगता है कमेंट सेक्शन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लग गए। पता नहीं वीडियो को लाइक करने में कितना टैक्स देना पड़ेगा तुम लोगों को, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो सभी का आंसर एमपी है एंड एमपी इज द करेक्ट आंसर। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है ये? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और आपका अभी भारत में टोटल 2021 में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40, ठीक है, जिसमें से आपके 32, 7 और 1 है कैटेगरी। 32 आपके कल्चरल, 7 आपके नेचुरल और 1 आपका मिक्स्ड है, ठीक है। जो लास्ट दो बने हैं 2020 में, पहले 38 थे, जो अभी 2021 में लास्ट बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? ढोलावीरा जो कि आपके गुजरात में है, हरप्पन साइट है ये एक, और एक आपका बना है काकाटिया टेम्पल जो कि आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये दो अभी 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं 44th सेशन में यूनेस्को के। पहले 38 थे, आप टोटल आपके 40 हो गए। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेशनल कस्टम डे इज हेल्ड एनुअली ऑन? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो इसका जवाब तो 26 जनवरी, मिस्टर सुशील का 4 फरवरी और अनिरुद्ध का 24 मार्च। तो सुशील और अनिरुद्ध जिसने 24 मार्च बोला है, तो वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे आपका 24 मार्च, और एक ने क्या बोला था 4 फरवरी, है ना। तो आपका 4 फरवरी को कैंसर डे आता है, 23 दिसंबर को फार्मर्स डे आता है, ठीक है, और जो 26 जनवरी है वो आपका सही जवाब है। तो 53 आंसर इज सी। 54th, द रतन महल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। 54। फिफ्टी फोर्थ का सभी का आंसर सी आ रहा है। और इस क्वेश्चन का भी तुमने अगर गलत जवाब दिया रहता ना तो तुम सच में बेवकूफ़ी रहते, क्योंकि जब आंसर लीक हो गया तो गलत आंसर देना नहीं चाहिए। तो गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। तो गुजरात में अभी मैंने आपको बताया ही था आपका ये वंसदा वहीं पे है, गिर है आपका, मरीन है, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये सारे के सारे कहाँ पे है आपके? गुजरात में ही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, कोटा इज़ अ सिटी इन राजस्थान, इट लाइज अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? कोटा राजस्थान का एक शहर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही या ऑप्शन डी बानस। 55। तो सभी का चंबल, और गौरव पांडे ने बोला बानस। तो गौरव तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो बानस है
वो इम्पोर्टेंट रिवर है, किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, वो है दांतीवाड़ा डैम, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। तो आंसर इज चंबल। 56 द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी का मुख्यालय कहाँ पे है? और आप सभी को बता दूँ, टेलीग्राम चैनल GA/GS by वर्षा सिंह, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो सभी बच्चों को इस चैनल से जुड़ना है ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन, लिंक, अपडेट और PDF मिल जाए। अनअकैडमी पे आप सब मुझे फॉलो करेंगे मेरे नाम से, वर्षा सिंह। और अनअकैडमी पे जो डेली क्लासेस की टाइमिंग अभी चल रही है, वो चल रही है आपकी 1:55 PM और 4:55 PM, ठीक है, दोनों की दोनों फ्री क्लास है। और अनअकैडमी पे कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी भी कोर्स का आपको कोड यूज़ करना है वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो इसका आंसर होगा कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क। और जिसने भी आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम बोला है, तो मैंने आपको बोल रखा है कि ब्रुसेल्स बेल्जियम के लिए आपको जो हेडक्वार्टर याद रखने हैं वो याद रखना है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन और आपका नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखने हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम के लिए। तो चलो जब नाटो लिखा ही है तो नाटो से एक क्वेश्चन बनता है कि नाटो में अभी टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, नाटो में कितने टोटल मेंबर कंट्रीज़ है जल्दी से बताइए। हेलो संदीप, तो रचित कुमार का 25, सुपर किंग का 29, रमेश का 35, संगीता का 30। तो जिसने भी 30 बोला है वो, मुझे उन पर कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे स्टूडेंट है। तो 30 इज़ द करेक्ट आंसर। आप मुझे ये बताओ कि जो 29th और 30th कंट्री बनी है नाटो की, वो कौन कौन सी है? टोटल 30 मेंबर है नाटो में, जो 29th बनी थी वो कब बनी थी? 2017, 18, 19, 20 ऑप्शन है आपके। और जो 38 बनी थी वो कब बनी थी? 2019 या 20, ये ऑप्शन है आपके। मोंटेनेग्रो आगे, मोंटेनेग्रो एक तो सही बताया, दूसरा कौन सा है? मोंटेनेग्रो तो सही बताया, दूसरा कौन सा है? संगीता मोंटेनेग्रो तुम सही बता रही हो, जितने भी बच्चे बता रहे हैं वो मोंटेनेग्रो ही बता रहे हैं। अगला साउथ सुदान, बिल्कुल सही जवाब, साउथ सुदान एंड मोंटेनेग्रो। पार्थ तुम भी हो स्टूडेंट, तुमने गलत बोला था क्या? अगर तुमने गलत बोला था तो तुमने मेरी नाक कटवा दी ना। द जगदालपुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जगदालपुर हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बताओ तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। और एक ने बच्चे ने बोला है उड़ीसा, उड़ीसा नहीं होगा, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। जगदालपुर और दूसरा कौन सा एयरपोर्ट मैंने बताया था? बिलासपुर। ये दोनों आपको याद रखने होते हैं किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए, यही दो पूछे जाते हैं। 58 द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज बेस्ड इन विच इंडियन स्टेट, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गोवा।
सभी का गोवा 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 एंड गोवा इज द करेक्ट आंसर। 59th, द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो करप्शन है तो करप्शन वर्ड को पकड़ के गेस करना कि क्या आंसर होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक किस संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 59th, मैंने कहा करप्शन वर्ड को पकड़ो उसे गेस करो। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट रहेगा सब कुछ, है ना। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है 2020 के लिए वो है 86 आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, इंडिया 6 रैंक से स्लिप हो गया था। पहले इसकी रैंक थी 80, फिर 86 हो गई, ठीक है, और 2019 के लिए 80 थी। और जो टॉप किया है 2020 में वो किया है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क ने, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। और जो लास्ट आई है कंट्री लास्ट पोजीशन पे वो है आपकी सोमालिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, और आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान। तो क्वेश्चन नंबर 59th आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 60, द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स हैज इट्स हेडक्वार्टर बेस्ड एट। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी लंदन या ऑप्शन डी जिनेवा। तो सभी का डी, तो जिसने बी बोला है वियना नहीं होगा। आंसर इज IAEA और OPEC, इन दोनों के लिए वियना याद रखो फिलहाल। आंसर इज डी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 61, सर्बिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सर्बिया किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी बेलग्रेड या ऑप्शन डी जैग्रेब। सॉरी, उल्टा लिखा हुआ है। सर्बियाज कैपिटल, सर्बिया की राजधानी क्या है? सर्बिया की राजधानी क्या है, ये उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सभी का आंसर सी है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बेलग्रेड। ठीक है, सर्बिया की बेलग्रेड है। जैग्रेब किसकी है? क्रोशिया की। पराग किसकी है? चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक की है पराग। और लिस्बन किसकी है आपकी? पोर्तुगल की। पोर्तुगल की लिस्बन और पोलैंड की वर्साओ, पोलैंड की वर्साओ। तो फिर 61 आंसर इज सी। 62, रवि कुमार दाहिया इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट। रवि कुमार दाहिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए रेसलिंग, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी शूटिंग या ऑप्शन डी स्नूकर। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया और चीटिंग की, तो तुम अपने आप को प्लीज एक थप्पड़ जरूर मारना। तो पार्थ का आंसर है स्नूकर और विकास झा का बैडमिंटन। विकास और पार्थ इस दुनिया के है ही नहीं, पता नहीं किस दुनिया से आ गए। आंसर इज रवि कुमार दाहिया रेसलिंग से है। कितनी केजी कैटेगरी में खेलते हैं ये? 57 केजी कैटेगरी में। और अभी तो इनका नाम, वैसे भी इन्होंने नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, कहने के लिए 2020 हुआ तो वैसे 2021 में ही, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दाहिया ने सिल्वर मेडल जीता है 57 केजी कैटेगरी में। तो बी ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द परशुराम कुंड इज अ हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर इन विच स्टेट। परशुराम कुंड किस राज्य में एक हिंदू तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी अरुणाचल, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तराखंड।
तो सभी का आंसर है यहाँ पे, यहाँ पे उत्तराखंड का। अच्छा उत्तराखंड, यूके तुम बोल रहे थे, मेरा दिमाग चला गया उत्तराखंड पे, मतलब वो यूनाइटेड किंगडम पे। तो परशुराम जो कुंड है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीर्थ स्थल है, तो जो आपकी मकर संक्रांति होती है तो उस दिन यहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है और सरकार अभी इस पे काम कर रही है, इसको दोबारा से रीडेवलप कर रही है, ठीक है इसको याद रखना। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अभी तक उसका जवाब मुझे मिला नहीं है। किसी ने बोला मॉन्टेनेग्रो, किसी ने बोला साउथ सूडान, तो ये बताइए कि नाटो के कितने मेंबर, मतलब नाटो का जो 29th और 30th मेंबर था वो कौन कौन सा है और किस ईयर में बना है। 64th इंडिया ऑब्जर्व नेशनल यूथ डे एनुअली ऑन विच डेट, भारत प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 11 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। 17 18 बोल रहे हो। अभिषेक का आंसर है 17 और 18 में बना है। मैदुल इस्लाम का यहाँ पे 12 अगस्त, 12 अगस्त, 12 अगस्त, 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपसे नेशनल यूथ डे पूछा है, तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को आपका नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे। और 12 अगस्त को आपका इंटरनेशनल यूथ डे, और 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बताओ, 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद सही है सभी का, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी सही है, 11 दिसंबर को पूछा है। विक्कू दास का 12 जनवरी, 12 जनवरी सही है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, और 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ब्लड डोनर डे, माउंटेन डे, रेडियो डे या ग्लोबल पेरेंट्स डे। तो कामेश का आंसर और रचित का आंसर बिल्कुल ठीक है, 11 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है, ठीक है इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। तो अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया, मैं इस आंसर का वेट कर रही हूँ कि 29th और 30th कंट्री कौन सी बनी थी नाटो की मेंबर और किस किस ईयर में बनी थी। तो सचिन का 2019 का मैसिडोनिया। और कोई बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ड्यूच बैंक लोकेटेड, ड्यूच बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, फ्रैंकफर्ट, एम्स्टरडम, पेरिस या लंदन। नासिम अंसारी 2019, 2019 नहीं है ऑप्शन में, 2019 का मैसिडोनिया बोल रहे हो ना। रमेश कुमार इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो लंदन, तो फ्रैंकफर्ट में है आपका ड्यूश बैंक। और 66, द बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी उड़ीसा। किसी को जवाब नहीं देना उस क्वेश्चन का, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आंसर। तो सभी का वेस्ट बंगाल, जो बिहार बोल रहे हैं पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा गोरुमारा, लोथियन आइलैंड, जालदा पारा, सुंदरबन, ये सारे भी कहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल में। मैं ही बताऊँ लग तो यही रहा है, तो नाटो की अभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, इसके टोटल 30 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर इसके 12 थे, 12 फाउंडिंग मेंबर थे।
जो लास्ट दो कंट्री बनी है 29th एंड 30th, तो 29th बनी है 2017 में और तीसवा देश जो बना है वो बना है 2020 में, ठीक है। 2017 में जो बनी है वो बनी है आपकी मॉन्टेनेग्रो, और जो आपकी 2020 में बनी है वो बनी है आपकी नॉर्थ मैसिडोनिया। तो जितने भी बच्चे सूडान का टूर करके आए हैं वापस आ जाओ मैसिडोनिया, ठीक है। नॉर्थ मैसिडोनिया आपका बना है 30वां मेंबर 2020 में, ठीक है। अगर सूडान का टूर ख़त्म हो गया हो तो 67th कामाराजर पोर्ट लिमिटेड इज़ वन ऑफ द मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। कामाराजर पोर्ट लिमिटेड भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से एक है। ये किस नदी पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 67। आंसर लीक हो गया इसका, तो सभी का आंसर तमिलनाडु एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। पहला पब्लिक पोर्ट है ये आपका कामाराजर पोर्ट, जिसको कि आपका इंदौर पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में 12 मेजर पोर्ट और एक आपका कॉरपोरेट पोर्ट है, यानी कि टोटल 13 पोर्ट्स हैं भारत में। अब आपका एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा देश नाटो का मेंबर नहीं है। इनमें से कौन सा देश नाटो का मेंबर नहीं है? द ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड है। आंसर इज सी जिनेवा। 69th, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो स्वाति यादव का स्विट्जरलैंड है, संगीता का स्विट्जरलैंड है, रंजन का स्विट्जरलैंड है। कोई आपका अपना आंसर बदलना चाहता है स्विट्जरलैंड के अलावा कोई दूसरा आंसर? नवीन एंड मोहित का स्लोवाकिया है। तो जो मैंने वो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, चाहे आपको उसके 30 के 30 मेंबर के नाम याद नहीं भी है तो भी आप उसका जवाब दे सकते थे। उसमें बस एक कॉमन सेंस लगाना था, वो ये लगाना था कि उसका जवाब होगा स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड क्यों होगा? क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है, न्यूट्रल कंट्री है जो किसी भी पचड़े में नहीं पड़ती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर्स है आप लोग के दिमागों में, आप लोगों के दिमाग में बहुत बार ये आता होगा कि ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड में ही क्यों है, क्योंकि इसीलिए है क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंट्री है और वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए उसका जवाब स्विट्जरलैंड होगा। तो रणथंभौर आपके राजस्थान में है। इसके अलावा सरिस्का, दरा, डेजर्ट, माउंट आबू, उसके बाद आपका दरा हो गया, सरिस्का, सवाई मानसिंह, ये सारे के सारे कहाँ पे आपके राजस्थान में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इसलिए स्विट्जरलैंड क्या है, एक न्यूट्रल कंट्री है, इसको न्यूट्रल कहा जाता है। मैं किसी की साइड से भी नहीं हूँ, ये इसका कहना है। द दांतीवाड़ा डैम इज अ मड एंड मैसोनरी डैम कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। दांतीवाड़ा बांध किस राज्य में निर्मित मिट्टी और चिनाई वाला बांध है? ऑप्शन ए कर्नाटका में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हिमाचल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो सभी का आंसर है यहाँ पे गुजरात, उड़ीसा, गुजरात, उड़ीसा। तो जिसने भी उड़ीसा बोला है, अगर आप लेट आए हो तो कोई बात नहीं, अगर आप जल्दी आए थे स्टार्टिंग से क्लास को देख रहे हो तो मुंह पे पानी मार के आना चाहिए था, आंखें खोलनी चाहिए थी और कान भी। करेक्ट आंसर इज गुजरात। मैंने पहले ही बताया था कि गुजरात में है दांतीवाड़ा डैम बानस रिवर पे, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक ने तो कर्नाटका भी बोल दिया, एक नहीं दो ने कर्नाटका बोल दिया है, नासिम ने हिमाचल बोल दिया है। एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे छोड़ा हो तुम लोगों ने। तो
आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कोई मुझे वो क्वेश्चन रिमाइंड करवा दो जो मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। वो क्वेश्चन क्या था जो मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, कोई रिमाइंड करवा सकता है एक बार ही तो करवा दो। हाँ याद आ गया, याद दिलवाया है किसने सबसे पहले, कामेश ने। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मैं तो कामेश का नाम लिख तो वो क्वेश्चन ये है कि कल्पना चावला की बुक का नाम क्या है, ये आप मुझे क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, कल जो आपकी क्लास होगी वो होगी 1:55 पे और 4:55 पे, ठीक है। 1:55 and 4:55 पे अनअकैडमी के ऐप पे, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे। तो सभी बच्चे अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। ये दोनों ही क्लासेस फ्री क्लास होती है, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन क्या है, अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके, आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो। अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू एवरीवन। चैनल को सभी बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास ये वाली 11:30 और डेली करंट अफेयर वाली 10:30 होती है, आज 10:30 वाली नहीं हुई थी, ठीक है। जल्दी से लाइक करो सभी बच्चे। स्वाति ने भी दिलवाया था, तो स्वाति का नाम तो अब लिख नहीं सकती क्योंकि कामेश का ही पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर हिट करें तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है GA/GS/वर्षा सिंह। ये तो ऐसे पेन चल रहा है जैसे इनविजिबल पेन हो, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्लास की PDF मिलेगी। और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है वर्षा, ठीक है। इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। चलो टाटा सभी बच्चों को, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर देना, ठीक है।